राइड का मजा लेती हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा भी आ रहा है यार ऐसे। सदर बाजार बच्चे घर पर है, बच्चों को अगर लेके जाती है ना, क्योंकि बारिश का मौसम है, देखो जगह जगह पानी भरा पड़ा है, तो सुबह से ऐसे ही हो रहा है, बारिश हो रही है, कभी धूप इतनी तेज निकल रही है, कुछ पता नहीं। तो इसी वजह से मैं इतनी लेट जा रही हूँ, शाम के टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं चलती हूँ सदर बाजार अकेली। रोहित जी की आज छुट्टी है क्योंकि आज है ईद, रोहित जी भी नहीं जा रहे मेरे साथ, क्योंकि पता क्या होता है कि अगर रोहित जी भी जाते हैं और मैं भी जाता हूँ ना, तो बच्चे पीछे लग जाते हैं, तो अकेली मैं जा रही हूँ ना, तो बच्चे इसलिए पीछे भी नहीं लगे। राइड का मजा लेती हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा भी आ रहा है यार ऐसे। तो चलते हैं, लेकिन जाम है यार, यार ना गुड़गांव में ना बहुत जाम मिलता है, बहुत ज्यादा जाम मिलता है गुड़गांव में। तो 3 दिन से ना गुड़गांव में बारिश हो रही है, और मेरा 2 दिन से बहुत मन कर रहा है मैं बारिश में नहाऊंगी, बट मैं नहा ही नहीं पाती, कभी बच्चों के चक्कर में नहीं नहा पाती, कभी घर में रोटी बना रही होती है जब बारिश आ जाती है। तो अगर आज बारिश आ गई और मैं नहा ली तो सच में यार मजा आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को बारिश में नहाना पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है बारिश में नहाना। तो शॉर्टकट से आ गई मैं सदर बाजार, ये शॉर्टकट है, तो नीचे चलते हैं। अबे यार गलत ले लिया मैंने, मुझे बैक साइड लेना था, बता नहीं सकता मैं गलत ले लिया। निकलता हम उधर से भी जाते हैं, बट वो लॉन्ग ही पड़ता और उधर जाम भी लेता हमें, तो जाम से बचने के लिए गलियों में से घुसाई लेती हूँ, बताओ गलियों में आराम से जाम से बच जाती हूँ, और शॉर्ट भी पड़ता है रास्ता सदर बाजार का। तो सबसे पहले तो मुझे होम्योपैथी की दवाई लेनी है, तो जाम से बचने के लिए मैं शॉर्टकट से आई थी, बट यहाँ भी जाम लग रहा है। मैं जल्दी जल्दी सदर बाजार का काम कर लेती हूँ अंधेरा होने से पहले पहले, क्योंकि मुझे घर जाके डिनर भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया दुकान को ढूंढने के कारण, क्योंकि मैं जिस दुकान से लेती ना वो दुकान बंद हो चुकी है, तो इनके पास तो नहीं मिली, कोई मिली नहीं रही है वो दवाई भी। देखती हूँ यहाँ पे एक होल सेलर की शॉप है, सारी दवाइयाँ रखता हूँ, होम्योपैथिक की तो उससे ले लेती हूँ, मिल जाएगी। तो ये दुकान कहाँ से है रास्ता भाई, रास्ता कहाँ से, यहाँ से मुझे पहले इसी की शॉप पे आना था, क्योंकि पहले भी इसी की बात मिली थी, लेकिन मुझे मिली नहीं रही थी शॉप, घूम गई थी रास्ता ही। तो जो दवाई लेनी थी वो तो मिल गई, अब और से दब जाकर फटाफट काम करती हूँ, लेट हो गया मैं, अंधेरा हो चुका है, दुकान नहीं मिल रही थी एक्चुअली मुझे, लेट हो चुकी हूँ। देखती हूँ अगर तो दब जाकर देखती हूँ काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं सदर बाजार से कर आई हूँ शॉपिंग वगैरह, ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो रहा था और जाम का टाइम हो रहा है, दुकानें भी भर रही थी, जाम भी देख रहा कितना भयानक लग रहा है, बहुत ज्यादा जाम लग रहा था सदर बाजार में, तो ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाई। अगर आपको सदर बाजार का पूरा मार्केट वगैरह देखना है कितना क्या रेंज है, तो मैंने उसका एक अलग से मैंने बता रखा है, ब्लॉग बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। तो अच्छे से मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा, हर एक चीज़ को मैंने पैसे के साथ मेंशन करा, कितने की चीज़ कौन सी चीज़ कितने रुपए मिलती है, तो सब चीज़ अच्छे से बता रखी है, तो उसको देख लेना जाके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अभी फिलहाल शिवांका और रोजी का फ़ोन आ चुका है, वो लोग कह रहे हैं कहाँ पर है कहाँ पर है, बस मैं फटाफट निकल रही हूँ घर, शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, तब चलते हैं घर पर। और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ इतना ट्रैफिक हो रहा है, इतना ट्रैफिक हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आएगी नहीं, इतना भयानक वाला ट्रैफिक हो रहा है। पहले गोलगप्पे खा लेते हैं, फिर तो मस्त गोलगप्पे खा लिए, चलते हैं। आपको मेरे ना मोस्टली ब्लॉग में ना गोलगप्पे खाती हुई जरूर दिखूंगी मैं, क्योंकि गोलगप्पे के बिगड़ यार मैं ना मैं रह ही नहीं सकता। अगर मैंने बाहर गई हूँ और मैंने गोलगप्पे की ठेली और मतलब शॉप वगैरह देख लिया ना, तो सच में मेरी सांस वहीं पे रुक जाएगी। मुझे इतने पसंद है गोलगप्पे, मैं उसके बिना जी नहीं सकती सच में यार। किस किस को अच्छा गोलगप्पे पसंद है कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे तो बहुत लवर हूँ यार मैं सच में गोलगप्पों की। तो चलते हैं अभी घर पे, अभी घर के पास तो अभी पहले चीज ले लेती हूँ बच्चों के लिए, नहीं तो मुझे घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी।
आइसक्रीम ले लें। अच्छा जी, अंधेरा हो गया, जितनी जल्दी सोचा था ना काम हो जाएगा सदा बजाने, उतनी जल्दी हुआ ही नहीं। यार सदा बजा जाके ना हमेशा टाइम लग ही जाता है थोड़ा बहुत, ये तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है ना, और रश भी था और लेट भी गई थी मैं। क्या कर रहे हो आप लेट के? सो रहा था, तुमने उठा दिया। उठा दिया, चलो सही है, सो रहे थे, टाइम पर पता नहीं चला हुआ है। क्या लाए? चिज्जी आपकी आइसक्रीम, रुक जाओ सामान है, अभी सामान रुको। तो डिनर तो हो चुका हमारा, मैंने कभी बहुत सारा तेल लगाया, देखो स्कैल्प भी दिख रहा होगा मेरा, मैंने बहुत सारा तेल लगाया, अच्छे से मालिश करी है, वो भी सरसों के तेल की करी है, खूब अच्छे से मालिश, तेल को तेल में नहा लिए बाल अच्छे से। अभी टाइम क्या हो गया, 11 बजे। तो फिलहाल इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, एंड राधे राधे।